अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम अपने एक ब्लॉगर वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो इसके लिए हम गूगल में सबसे पहले ब्लॉगर को सर्च करेंगे। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले लिंक को आप ओपन करेंगे, क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने एक अकाउंट के ज़रिए हम लॉगिन करेंगे। यहाँ हम अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे, सॉरी उस पासवर्ड थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, दोबारा री एंटर पासवर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा सर्च हो रहा है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम देना है। मैं चूँकि ब्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे मैं अपनी निश से मुतलिक ही वर्ड सेलेक्ट करूँगा, ब्लॉगिंग टैग। तो ये देखें, ये नीचे हमारे पास अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल लिखना है कि आपका ब्लॉग किस चीज़ पे काम करे, आप विजिटर को कौन सा नेम शो करवाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स सर लिखूँगा। इसको फिनिश कर देंगे। तो लिया जी, हमारी वेबसाइट ब्लॉगिंग पे बन चुकी है। इसको मैं सिंपली यहाँ से इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर। अब हम अपनी वेबसाइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सेटिंग्स में आने के बाद हम अपने वेबसाइट के टाइटल को सिलेक्ट करेंगे। इसे दोबारा से हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने मैंने शॉर्ट्स और एक डिस्क्रिप्शन लिख रखी है, जिसे हम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे HTTPS होगा, इसको हमने ऑन कर देना है। इसके बाद कस्टम डोमेन का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी आपके पास डोमेन है तो आप उस यहाँ पे URL को कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रहने दें। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पोस्ट ऑन मेन पेज आएगा। यहाँ पे हम 7, 6 या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे कितनी पोस्ट शो करना चाहते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कमेंट का सेक्शन है। कमेंट के सेक्शन में हमने हु कैन कमेंट में यूज़र विद गूगल अकाउंट्स सेलेक्ट करना है, इसको सेव करना है। इसके बाद कमेंट मॉडरेशन में इसको हम नेवर सेलेक्ट करेंगे, नेवर सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आपने नीचे की तरफ आ जाना है। ये यहाँ पर मेरी सेटिंग कुछ नहीं छेड़ेंगे। हम टाइम फार्मेट में आएंगे। टाइम फार्मेट में टाइम जोन में हमने अपनी कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं अपने पाकिस्तान का टाइम जोन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे पाकिस्तान कराची टाइम, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास मेटा टैग का ऑप्शन आएगा। मेटा टैग के ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पे हमने सर्च डिस्क्रिप्शन में मेटा टैग को ऐड करेंगे। मेटा टैग आपकी वेबसाइट से मुतलिक कीवर्ड्स होंगे, जिन जो आप अपनी वेबसाइट में अपने निश से मुतलिक इस्तेमाल करेंगे, उनको यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। ये 150 कैरेक्टर्स को मैक्सिमम हो सकते हैं। इसको सेव करेंगे हम। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे हमारे पास इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग आएगा, इसको हमने ऑन कर देना है। यहाँ पे हमारे पास होम पेज टैग्स का ऑप्शन आएगा, इसको हमने ऑल को सिलेक्ट करना है और नो ODP को सिलेक्ट कर देना है। इसको सेव कर देंगे। इसके बाद एक्टिव एंड सर्च टैग्स को ओपन करेंगे। इसमें हम नो इंडेक्स करेंगे और नो ODP को सेव कर देंगे, सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। इसके बाद पोस्ट एंड पेज टैग्स को ओपन करेंगे, इसको हम ऑल को सिलेक्ट करेंगे और नो ODP को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा बेसिक SEO का काम कम्प्लीट हो जाता है।